खंडवा के प्रसिद्ध अपना गोकुल स्वीट्स भोजनालय ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्डर पर एक घंटे में खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, जनता थाली, फुल थाली, स्पेशल थाली और डिलक्स थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता और कई प्रकार की मिठाइयां, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो देर किस बात की, अभी फोन कीजिए 9039596744 0733222 1389। खंडवा के अस्थाई जेल से जमानत पर छूट कर आए विचाराधीन कैदी ने जेल में खराब खाने पर कई तरह के सवाल उठाए। उसने एक रोटी को जेल की रोटी बताते हुए फेसबुक पर कमेंट किया जो वायरल हो गया। उसने लिखा कि यह रोटी जो हर इंसान को जीने के लिए जरूरी है, लेकिन देश की जेलों में आधी कच्ची पक्की रोटियां कैदियों को दी जा रही। यही नहीं, सब्जी के नाम पर उबली हुई सब्जियां, चाय में उबला हुआ पानी और नाश्ते में उबला हुआ दलिया दिए जाने की बात कही। उसने सवाल उठाया कि सरकार कैदियों के खाने के नाम पर जेलों में लाखों रुपया देती है, लेकिन यह सिस्टम कब सुधरेगा, इसके जवाब किसी के पास नहीं है। इस कैदी को मारपीट और गाली गलौज के आरोप में हरसुद थाना क्षेत्र के गांव से खंडवा जेल भेजा गया था। यहां उसने 4 दिन खंडवा जेल में खाना खाया और अपनी बात फेसबुक पर की। खंडवा जेल जैसे ही गया वैसे मुझे एक छात्रावास, जो कन्या छात्रावास है खंडवा में जेल के सामने, वहां पे स्पेशल सेल में रखा गया। वहां पे दिक्कत ये की आई कि साहब वहां पे खाने के लिए तो बिल्कुल कच्ची रोटियां मिलती है, जो मैंने अभी मीडिया के सामने पेश करी है, और उसके साथ में सब्जी में बिल्कुल उबला हुआ सब्जी मिलती है, दलिया जो मिलता है वो बिल्कुल उबला हुआ नाश्ते में मिलता, चाय ऐसी मिलती बिल्कुल गर्म पानी, ना उसमें टेस्ट रहेगा ना कुछ रहेगा। और 4 दिन बाद में जेल से छूट के आया। इधर जेल प्रशासन अधीन कैदी की ओर से जेल में दिए जाने वाले खाने पर उठाए गए सवालों को दुर्भावनापूर्वक करार दिया गया। जेल प्रशासन ने कहा खंडवा जेल में कैदियों के स्वयं कैदी ही खाना बनाते और बड़ी मात्रा में रोटियां बनते, भेदभाव नहीं किया जाता है। यह कैदी अस्थायी जेल में बंद था, किसी कैदी की गलती से कोई रोटी कच्ची पक्की रह सकती है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने इसे जेल प्रशासन के खिलाफ कैदी की दुर्भावना बताया और तंबाकू उपलब्ध नहीं करने पर ऐसा करना बताया है। पहले तो ये है कि वो रोटी जेल की थी, दूसरी जेल की रोटी नहीं थी। वो पहले हम वही मान लेते हैं जो बंदी एलिगेशन जिसने लगाया है कि वो जेल की रोटी थी और संभवतः कच्ची होने के बारे में कि अच्छी पकी नहीं थी। तो जहाँ पर एक टाइम में हमारी 2500 से 3000 रोटियाँ बन रही हैं, लगभग 450 बंदी है हमारे पास में, उसको गन रोटियाँ दे रहे हैं, 6, 5 और 6 के हिसाब से देते हैं, मियादी बंदियों को 6 और हवालाती बंदियों को 5 रोटियाँ जो है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो इतनी रोटियाँ बन रही हैं, तो एक आध रोटी कच्ची रह सकती है। एक इशू ये है, इसी में ये कहना है कि बनाने वाले कौन रहते हैं, बनाने वाले भी बंदी रहते हैं, या कोई स्टाफ अलग से या बावर्ची वहाँ पे नहीं लगाया गया हमारा बनाने के लिए। दूसरा इशू ये है कि वो रोटी जेल की नहीं थी, बंदी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर के ये इशू उठाया। अब रही बात दुर्भावना से प्रेरित होकर क्यों, क्योंकि जिस बंदी का आप नाम ले रहे हैं उस बंदी की रिपोर्ट थी कि उसने वहाँ पे अस्थाई जेल में तंबाकू की मांग करी थी कि उससे किसी तरह से मैनेज हो जाए, जो कि उसको नहीं प्रदाय की गई, जिसको लेके वो थोड़ा सा नाराज़ था कि हम खाने के आदी हैं। तो संभवतः इसी वजह से उसने बाहर में कहीं से कुछ इसको मैनेज किया, मैनेज करने के बाद में उसको जो है डालने का प्रयास किया कि जेल प्रशासन के ऊपर एक तरह का प्रेशर बने जो है। जेल में खाना जो बनता है हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उसका पर व्यक्ति उसकी क्वांटिटी जो है वो निर्धारित है और क्वांटिटी के हिसाब से खाना बनता है जो इसमें, तो अच्छा रहता है वो।